हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फ्रेंड्स में। हम यहाँ पर SSC-JE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और हमारा अभी चल रहा था 25 जनवरी 2018 का। हम यहाँ पे मॉर्निंग का पेपर डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 22 जनवरी 2018 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर अच्छे से डिस्कस करा था। टोटल 100 क्वेश्चन हमने उसमें कंप्लीट डिस्कस करे थे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करा था। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो स्क्रीन एंड पे इसका पार्ट फर्स्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार विजिट करें डियर फ्रेंड्स पे, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में SSC-JE में 2007 से लेके 2015 तक पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कराए। तो वो सारी वीडियोज़ भी आपको स्क्रीन एंड पे, तो आखिरकार आपको 3 ही वीडियोज़ मिल पाती हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में आई कार्ड शो हो रहा होगा, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन डिस्कस करें वो सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी वो सब मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे हमारा 5th नंबर का है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें बोला जा रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इफ 4 इंडक्टर्स हैविंग इंडक्टेंस एल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि 4 इंडक्टर्स हैं, वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो कुछ इस तरह से ही कनेक्टेड हैं और इनकी वैल्यू दे रखी एल इंडक्टर्स कनेक्टेड हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब पैरेलल में कनेक्टेड हो आपके पास इंडक्टर, तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इक्विवेलेंट। अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो एल इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/L1 +1/L2 +1/L3 +1/L4, क्योंकि यहाँ पे 4 इंडक्टर कनेक्टेड हैं। L1, L2, L3, L4 की वैल्यू सेम, सबकी इक्वल है, कितनी है, L है इसकी। या तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए इसको, या फिर सिंपली अगर आपके पास यहाँ पे सेम वैल्यू गिवन है यहाँ पे L, तो उस टाइम अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो डायरेक्ट L इक्विवेलेंट कितना होता है, L/N। यहाँ पे N की नंबर क्या है, 4 है, तो L/4 इसका क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट, यानी कि जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो L/4 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन होता तो रेजिस्टेंस के भी हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होता, R/4 होता। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर सेम आपको इंडक्टेंस गिवन है, यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, L गिवन है सबके लिए, तो उस कंडीशन में L/N यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्टेड इंडक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर की बात हो रही है इसलिए हमने नंबर ऑफ इंडक्टर्स की यहाँ पे बात करी है N में। ऐसे ही रेजिस्टेंस में होता है, पर कंडीशन क्या होती है कि जो इनका कनेक्शन होता है इंडक्टर का या फिर जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तब वहाँ पे L इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होता है वो L/N होता है। N जहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्टेड इंडक्टर्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन है L/4, तो ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो काफ़ी ईजी था, आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, डिटरमाइन द कंडक्टेंस इन सीमेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 30 वोल्ट एंड द वोल्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 3 एम्पियर। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है 3 एम्पियर, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, कंडक्टेंस की वैल्यू पूछी जा रही है। कल जो हमने प्रीवियस जो वीडियो डिस्कस करी थी इससे पहले वाली, उसमें हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे कंडक्टेंस के, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कंडक्टेंस क्या होता है आपका, 1/ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे सॉरी वहाँ पे हमने बात करी थी कंडक्टिविटी की, तो हमने क्या करा था, 1/ रेजिस्टिविटी करा था, लेकिन यहाँ पे बात पूछी जा रही है कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस क्या होता है आपका, 1/ रेजिस्टेंस होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उस क्वेश्चन में कंडक्टिविटी की बात थी तो वहाँ पे हमने जो कंडक्टिविटी थी वो किसकी इक्वल होती है, 1/ रेजिस्टिविटी की होती है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टेंस बोला जा रहा है तो ये होता है 1/ रेजिस्टेंस के, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो रेजिस्टेंस हमें पता है, हमारा जो सदाबहार फॉर्मूला होता है V=IR से, यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V/I। और जब हम कंडक्टेंस के रेफरेंस में बात करेंगे तो 1/ रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास जो कंडक्टेंस की इक्वल फॉर्मूला बन कैलकुलेट करेंगे इससे, तो बनकर आएगा I/V, क्योंकि इसका इन्वर्स करना पड़ेगा हमें 1/ रेजिस्टेंस के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू गिवन है 3 एम्पियर गिवन है यहाँ पे हमें करंट, और वोल्टेज गिवन है 30, तो यहाँ पे कंडक्टेंस इक्वल्स टू हमारा I/V से क्या हो जाएगा, 3/30। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडक्टेंस कैलकुलेट होकर आएगा ये आएगा 0.1 सीमेंस।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सीमेंस कंडक्टेंस की यूनिट होती है, ध्यान में रखिएगा। इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। और हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेसिक जो फॉर्मूला है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच पावर इन वोट विल बी डिसिपेटेड बाय ए 10 ओम रजिस्टर व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 3 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, करंट गिवन है, आई गिवन है 3 एम्पियर, और यहाँ पे रजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 ओम। तो हमारे पास अगर यहाँ पे रजिस्टेंस है और करंट है, और उस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि पावर क्या होगी वोट में, तो पी का फॉर्मूला हम जो पावर के लिए लगाएंगे, जब हमारे पास करंट गिवन है और रजिस्टेंस गिवन है, तो हम लगाएंगे आई स्क्वायर आर। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि जो चीज़ गिवन है उस अकॉर्डिंग हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका आपका जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू वी आई होता है, और ये जो बाकी के ड्राइव किए जाते हैं इससे, यानी कि ये वाला जो पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, ये सब ड्राइव किए जाते हैं पी इक्वल टू वी आई से। कौन से फॉर्मूले का यूज़ में लेते हैं, वी इक्वल टू आई आर का यूज़ में लेके यहाँ पे ड्राइव किया जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन होता तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते पावर को कैलकुलेट करने के लिए। अभी हमारे पास गिवन है करंट और रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम यहाँ से इसको ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आई स्क्वायर आर की जगह वैल्यू रखते हैं इसकी, तो पी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, करंट की वैल्यू है 3 का स्क्वायर इंटू आर, हमारे पास 10 ओम यहाँ पे गिवन है, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 90 वोट। ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन को हम पहले रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ रजिस्टर एट 40 डिग्री सेल्सियस व्हेन द रेजिस्टेंस हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर कोफिशियंट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.04। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आपको यहाँ पे गिवन है कि जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस लेना है, और यहाँ पे आपके पास गिवन है कि आपको जो रेफरेंस रेजिस्टेंस लेना है वो लेना है 10 ओम का, यानी कि जो रेफरेंस रेजिस्टेंस लेंगे आप वो 10 ओम का लेंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर रेफरेंस लेंगे वो 0 डिग्री लेना है आपको, और इस पर आपके पास गिवन है आपको टेम्परेचर कोफिशियंट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर कोफिशियंट है उसकी वैल्यू गिवन है 0.04। अब यहाँ पे आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक दो बार लिखेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा और आपको याद भी होगा पहले से। आर इक्वल्स टू होता है आर रेफरेंस, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है टेम्परेचर कोफिशियंट है, टी माइनस टी रेफरेंस यानी कि टेम्परेचर रेफरेंस। ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला हो गया है, सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। अभी आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आर इक्वल्स टू आर रेफरेंस आपके पास कितना गिवन है, ये गिवन है आपके पास 10 ओम, यहाँ पे गिवन है रेफरेंस रेजिस्टेंस, ये है 10 ओम। 1 प्लस यहाँ पे अल्फा क्या है आपका टेम्परेचर कोफिशियंट है, उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 0.04। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके पास बहुत सी बार कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, 2-3 वैल्यूज़ गिवन हो जाती है, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वैल्यू गिवन है 0.04 इसकी टेम्परेचर कोफिशियंट की, उस तरह से यहाँ पे जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू गिवन होती है। तो कंडीशन में आपको याद रखना है कि आपसे पूछ रेफरेंस किसको लिया है आपने, जिस टेम्परेचर को आपने रेफरेंस लिया है वही टेम्परेचर कोफिशियंट आपको यहाँ पे लिखना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बहुत सी बार कन्फ्यूजन के लिए इस तरह से दे दिया जाता है 0.04, यहाँ पे आपने लिख दिया टी, जो आपको जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये आपको करना है 40 डिग्री पे, यहाँ पे आपने 40 लिख दिया, माइनस टी रेफरेंस यानी कि जो टेम्परेचर आपने रेफरेंस में लिया है वो लिया है 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है आपको, ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी है। इसको सोल्व करेंगे आपके पास तो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 26 ओम। इसको इजीली सोल्व कर लेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 26 ओम। तो अभी हम ऑप्शंस देख ले रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये फॉर्मूला याद में रखिएगा और कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे यूज़ लिए ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि अप्लाई करना आपको आना चाहिए फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कौन सी आपको पुट करनी है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं इसके बाद। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, 26 जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई थी, तो ऑप्शन 4 राइट है। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कब डिस्कस करा है? जब हमने इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन डिस्कस करे थे प्रीवियस ईयर के 2007 से लेकर 2015 तक, तब हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे, इसलिए मैं इनको ईजी बोल रही हूँ। आई होप आप सबको भी ईजी लग रहे होंगे, और नहीं लग रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जो पहली बार दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे सब आपको सॉल्यूशन करके बता रही हूँ हर एक क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से फॉर्मुलेज भी याद हो जाएंगे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है हमसे, डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन जूल बाय ए 5 हेनरी इंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पियर। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है इंडक्टर की वैल्यू, आपको गिवन है 5 हेनरी इंडक्टर है और जो इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो गिवन है आपको 6 हेनरी। आपको यहाँ पे बताना है कि एनर्जी स्टोर कितना करेगा ये जो इंडक्टर की बात की जा रही है, तो इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये आपको बताना है। तो एनर्जी स्टोर कितनी होती है? ई स्टोर होता है आपका हाफ एल आई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे इसकी, इंडक्टर की वैल्यू आपको गिवन है 5, आई की वैल्यू गिवन है यानी कि जो करंट की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 × 6 लिख लीजिए इसको, तो ये 6 आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा 90 जूल। तो ये आपके पास एनर्जी स्टोर आ गई है इंडक्टर में। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, ये आपका राइट हो जाएगा, 90 जूल आपका यहाँ पे राइट आंसर है। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएगी उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला इसका मेन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पर थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि आपसे बोला जाएगा कि इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है अगर उसमें करंट को डबल कर दिया जाए, अगर उसको हाफ कर दिया जाए करंट को, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से थ्योरी बेस्ड इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला। ऑप्शन 2 आपका वैसे यहाँ पे राइट है। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली इजी क्वेश्चन है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हम पहले ऐसे काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम्स फॉर द सर्किट गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो ये आपको सर्किट दिख रहा है इसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कि इसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इस नेटवर्क को बेसिकली? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आपको इजी लग रहे हैं ना वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको यहीं से स्टार्ट करना है या फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, बेसिकली स्टार्ट तो यहीं से करते हैं। पर अगर आपको कहीं से भी जो आपको इजी लग रहा हो सोल्व करना नेटवर्क, वहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्ट इन दोनों को दिख रहा है मुझे, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं उसको मैंने बताया जितनी बार टर्म्स पर आपके कनेक्टेड हैं उसको डिवाइड बाई 2। जैसे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो कितने 2 है, तो मैं इनको 1/2 कर दूंगी। बेसिकली ऐसे ही किया जाता है जैसे कि अभी मैंने आपको इंडक्टर के केस में बताया था। इंडक्टर और रेजिस्टेंस के केस में अगर आप इनका कॉम्बिनेशन देखें सीरीज पैरेलल का, तो सेम ही जो उसका प्रोसेस होता है सोल्व करने का वो एक जैसा होता है। कैपेसिटेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, जैसे कि आपने पहले वीडियोज़ देखी होगी तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि किस तरह से अपोजिट होता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको आपका सर्किट थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ कि यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, 1/2 आएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं 0.5 आएगा। तो इसके बाद इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास, और यहाँ पे ये आपके पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 0.5। एक मिनट, उसको ज़्यादा ऊपर ले लिया था। तो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपके पास जो अभी हमने सोल्व करा ये वाला रेजिस्टेंस, ये अभी हमारे पास कैलकुलेटर कराया है 0.5 ओम, और यहाँ पे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है एज इट इज़ जो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास जो बाकी के रेजिस्टेंस है वो इस तरह से कनेक्टेड है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया हमारा ये वाला, और यहाँ पे है 3 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास ये 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये एज इट इज़ हमारे सर्किट रो चुका है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और 0.5 ओम का रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में है, तो हम इनको सीरीज़ में डायरेक्ट रेजिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन दे रखा है रेजिस्टेंस का, जो डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम इनको एडअप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा 1.05, डायरेक्ट एडअप कर दिया मैंने 1+0.5, तो यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। तो अब इससे इसके बाद आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम होगा। ये आपके पास रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और यहाँ पे ये आपके पास कनेक्टेड हो गया 1.5 का रेजिस्टेंस जो आपके पास अभी इक्विवेलेंट करके आया था, और यहाँ पे ये आपके पास कनेक्टेड है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला ही 2 ओम है। ये थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, इसको इसके इक्वल ही ले आती हूँ वरना आप सोचेंगे मैंने कहाँ से इसको ऊपर ले गई। तो यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास है,
और ये आपके पास जो अभी हमने कैलकुलेट कराया था 1.5 ओम का रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस यहाँ इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, ये है 2 ओम का, और यहाँ पे ये हमारे पास कनेक्टेड हो रहा है 3 ओम का रेजिस्टेंस, और इस तरह से यहाँ पे है हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड। ये हमारा नेटवर्क बन चुका है अभी जब उसको हमने सोल्व कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कैसे सोल्व करते हैं इनको, मैंने आपको बताया था 1.5 × 2 कर दीजिए और नीचे क्या करना है आपको, इनको एडअप करना है। इसको सोल्व करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट इसका कैलकुलेट होकर आएगा, ये आएगा 0.86, ये समथिंग आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगी वैल्यू। तो आपका जो नेटवर्क बन जाएगा इसके बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। 2 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास यहाँ पे, और ये 0.86 का आपके पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट होकर आया अभी, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास जो पहले का कनेक्टेड है ये 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब ये 0.86 और ये 3 ओम का आपके किस में हो गया, सीरीज़ में कनेक्टेड हो गया, तो डायरेक्ट एडअप हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा इक्विवेलेंट इसका 3.86 आपके पास यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट होकर आएगा। तो अब डायग्राम आपका जो फाइनल इसका डायग्राम हो जाएगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास कैलकुलेट यहाँ पे जो है ये वाला, और यहाँ कैलकुलेट होकर आया आपके पास 3.86। अब फाइनली आपके पास ये डायग्राम है लास्ट, यहाँ पे आप दोनों को आपको दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका लिखूँगी, तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 क्यों जो इसको हम सोल्व करेंगे उसके बाद ये सीरीज़ में हो जाएगा इसके साथ, तो 4 पैरेलल होगा किसके, 3.86 के साथ। तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 3.96। तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको वैसे ही कैलकुलेट करना है आपको, 4 × 3.86 / 4 + 3.86 इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, उसके बाद आपको 2 ऐड करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.96, इजीली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो काफ़ी इजी ये मैंने आपको बताया, इसलिए डिटेल में बताया इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार करेंगे इसको, देखेंगे अपने हाथ से खुद से करेंगे इसको सोल्व, तो काफ़ी ईजी है। आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी 3.96, तो ऑप्शन अभी हम देख लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास आई थी कैलकुलेट होकर 3.96 कैलकुलेट होकर आई थी रेजिस्टेंस ओम में आई थी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन गिवन है 4, तो ये हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि लगभग ये 4 के इक्वल आप देख सकते हैं इसको। पॉइंटों में होता तो हम 3.96 देख लेते, ऑप्शंस में नहीं है तो इसके इक्वली नियरली इक्वल यहाँ पे वैल्यू है 4, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारे यहाँ पे राइट है। आई होप सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि हम पहले भी ऐसे नेटवर्क के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगी दोबारा से क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। वैसे अच्छे से समझाती हूँ मैं, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ रजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर इज 24 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इज 3 एम्पियर। तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज गिवन है 24 वोल्ट और यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू गिवन है 3 एम्पियर, और आपसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो कितना इजी क्वेश्चन है, हम हमेशा इस फॉर्मूले की बात करते हैं जो हमारा सदाबहार फॉर्मूला है, ये है V=IR। हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है, करंट की गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और हमसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है और वोल्टेज की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। तो R के रेफरेंस में यानी कि रेजिस्टेंस के रेफरेंस में देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा V/I। वोल्टेज कितना गिवन है, 24 वोल्ट है यहाँ पे हमें गिवन है, और करंट की वैल्यू गिवन है 3। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 8 ओम, हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप सो आप सबको भी इजी लगा होगा। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I3 इन एम्पियर फॉर द डायग्राम गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि I3 की वैल्यू क्या होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली लगा देंगे KCL। KCL क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, जिसमें क्या होता है, जो भी एल्जेब्रिक सम होता है किसी भी कॉमन पॉइंट पे वो क्या होता है, इक्वल टू ज़ीरो होता है। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट क्या हुआ, जहाँ पे करंट एंटर हो रहा है या फिर एग्जिट हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है, नोड। तो यहाँ पे जो भी
करंट एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो उनका एलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। ये बोलता है हमें KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी इक्वेशन अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले I3 फाइंड आउट करना है। देख जैसे जो जितने भी सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे उनको सबको सोल्व इस तरह से किया जाता है, या तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, पर अगर समझाने के तरीके से बताऊँ तो इस तरह से, जैसे I3 की वैल्यू आपके पास आपको फाइंड आउट करनी है, जो करंट कौन सा एंटर हो रहा है, I2 एंटर हो रहा है, तो I3 इक्वल्स टू I2। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, I5 जो आपका एग्जिट कर रहा है यानी कि बाहर की साइड जा रहा है एरो, बाहर की साइड एरो यानी कि आपका जो I5 है वो एग्जिट कर रहा है करंट यहाँ इस नोड से, पॉइंट जो ए नोड दे रखा है ना आपको, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, तो इसको क्या लिखूंगे, -I5 लिखूंगे इस तरह से। बाकी को जो एरो आउटसाइड जा रहे हैं उनको, जैसे I4 -I4 यहाँ पे होगा क्योंकि करंट एग्जिट कर रहा है। यहाँ पे आपके पास I1 क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ये चीज़ देखिए यहाँ पे एरो कौन सा एंटर कर रहा है ये, तो इसको लिखूंगी मैं +I1। ये चीज़ आपके पास क्लियर है। अब बस मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगी, इनकी वैल्यू I2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 एम्पियर गिवन है, -I5 कितना है, 1 है, -I4 की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही, ये है 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, I1 की वैल्यू कितनी है, +3, ये एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी इसकी, यहाँ से आप ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपके पास वैल्यू हो रही है इसकी, 1 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा, 4 3 7 हो गए ना, और 5 यहाँ से गए, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 1 एम्पियर, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि I3 की वैल्यू आपके पास 1 एम्पियर आ चुकी है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 1 आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन भी 1 ही है, वैल्यू भी 1 ही है, तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे राइट है। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएँ तो उनको कैलकुलेट करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं सारे, आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिल जाएगा इस पर तो, लेकिन जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है वो सेम ही है, तो आपको इस तरह से सोल्व करना है सारे क्वेश्चंस। तो आई होप्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस आज की जो भी हमने डिस्कस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप पहली बार विजिट करें डियर फ्रेंड्स पे तो डियर फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, उससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।